सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। श्रीलंका के गेंदबाजों की उड़ा कर रख दी धज्जियां। भारत वर्सेज श्रीलंका के बीच खेला गया तीसरा टी20 का खतरनाक विस्फोटक मुकाबला, जहां पर श्रीलंका की टीम दो टी20 के मुकाबले हारने के बाद काफी ज्यादा बौखलाई हुई थी। तीसरा टी20 का मुकाबला जीतने के लिए श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। हालांकि शुरुआती दौर में भारतीय टीम 99% तक इस मुकाबले को हार चुकी थी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल, चार घातक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांडे अच्छे, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल 8 रन बनाकर के आउट हो गए। तो वहीं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे 0 पर आउट हो गए। भारतीय टीम के चार खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जब 6 ओवरों के भीतर सिर्फ 28 रन ठोक करके आउट हुए, तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर मैदान पर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह जैसी आंधी आने को बाकी थी। सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर कदम रखते ही 7वें ओवर के 6 गेंदों पर लगातार गगनचुंबी 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। तो वहीं हम बात करें अगर रिंकू सिंह की, तो रिंकू सिंह जो बल्लेबाज है, जिस बल्लेबाज के आगे एक बल्लेबाज फेल है, क्योंकि रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही 9 ओवर के 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर के ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रीलंका के गेंदबाज भारतीय टीम के चार विस्फोटक शेरों को आउट करके काफी ज्यादा खुश थे। शायद उन्हें लग रहा था कि भारतीय टीम 50 रन भी पूरे नहीं कर पाएगी, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 17वें ओवर के 6 गेंदों पर फिर 6 छक्के ठोक दिए। सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर कहर बरसा दिया और श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने 18 छक्के और 24 चौके ठोक दिए, तो वह रिंकू सिंह ने 11 छक्के और 21 चौके ठोक दिए। भारतीय टीम के दोनों विस्फोटक शेरों ने 448 रनों की नाबाद पाली खेल डाली।